देश के मौसम वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस साल ठंड अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि इस बार ऐसी स्थिति बन रही है जो भयंकर ठंड की तरफ इशारा कर रही है। बढ़ती ठंड से इंसान तो जैसे तैसे अपना बचाव कर लेगा, लेकिन उन आवारा पशुओं का क्या होगा जो सड़कों पर आवारा घूमते हुए दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में सर्दियों ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और अब राज्य में तापमान लगातार गिरता नजर आ रहा है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिख रहा है। कड़ाके की ठंड ने इंसान के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों को भी परेशान कर रखा है और बढ़ती ठंड का सितम लगातार जारी है और अब तो ये सर्दी जानलेवा भी हो चुकी है। ऐसे में क्या इंसान और क्या जानवर, हर कोई ठंड का सितम झेल रहा है और उससे बचने का उपाय खोज रहा है। इंसान तो बचाव के लिए जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर करे तो क्या करे। ऐसे और मजबूरन किसी कोने में खड़े होकर जानवरों सर्दी का सितम झेलना पड़ता है। तो अब लोग नगर निगम प्रशासन से अपील करने लगे हैं कि सड़कों गलियों में घूम रहे आवारा पशुओं को ठंड से बचा लो, कुछ तो करो प्रशासन। वहीं ठंड से ठिठुरते आवारा पशुओं के लिए जब नगर निगम की संयुक्त नगर आयुक्त से बात की गई, तो उनका कहना है नगर निगम द्वारा आवारा पशुओं को अपने स्तर से भी देखा जा रहा है, ताकि उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या ना हो और साथ ही गौशाला निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जल्द ही गौशाला तैयार होने के बाद आवारा घूम रहे पशुओं को गौशाला में पहुँचा दिया जाएगा। जानवरों के लिए जरूर एक शेल्टर बनना चाहिए। आदमी तो बोल लेते हैं किसी से, जानवर तो किसी से नहीं बोल सकते, बेजुबान होते हैं, ना उनकी बात समझी जाती है। तो जानवरों के लिए कुछ ना कुछ खाने का, उन्हें शेल्टर होम बनाने का, उसका कम से कम जो रात को इतना ओस पड़ रही है, इतनी ठंड है, कई बार उन्हें बचा के उनका कोई शेल्टर होम मिल जाए, उन्हें खाने का इंतजाम उनका ढंग से हो जाए, जिससे कम से कम एक बेजुबान इंसान, एक बेजुबान जानवर कम से कम एक खाना, उसका शेल्टर तो मिल जाएगी उसको कम से कम। काशीपुर द्वारा एक अपने स्तर से भी देखा जाता है कि किसी प्रकार से पशुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी एक नगर निगम द्वारा एक गौशाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जो ढेला पुल के पास में है, वार्ड नंबर 12 में। जल्दी से जल्दी जैसे इस गौशाला का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पर आवारे पशुओं को जो भी दिक्कत में होते हैं, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वहाँ पर उनको शरण दी जा सकती है, जिससे किसी भी प्रकार की उनकी जान हानि ना हो। समय साक्षी के लिए उधम सिंह नगर से अजर मलिक की रिपोर्ट।